हाय डियर स्टूडेंट्स, डीके शर्मा जूलॉजी, प्राइड कोचिंग इंस्टीट्यूट जौनपुर। पढ़ाना है आज हमको है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या पढ़ाना है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का कैसे एक्सचेंज होता है आप एक समझ जाएंगे कैसे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पहला लाइन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, पहला लाइन है। ये क्वेश्चन पूछेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा या डिफ्यूजन के द्वारा। तो आपका आंसर क्या होगा? डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। किसके द्वारा? डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, पहला प्रोसेस है। एक फिगर है, आप उसको देख लीजिए। उस फिगर को देख के तब समझिए क्या है। देखिए ये हार्ट का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, इसमें देख लीजिए एक्सचेंज कैसे होता है। ये फिगर देख लीजिए, समझाने के लिए है बहुत अच्छी तरीके से। ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आप जरा ध्यान दीजिए, ये दूसरा इसमें मैं दिखा दे रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा समझ में आ जाए शायद। दूसरा यहाँ से जा रहा है, ये देखिए बाकी ये पेरिकार्डियम। तो देखो आप, ये इधर से इधर जा रहा है, ब्लड का फ्लो ऐसे जा रहा है, देखिए यहाँ PO2 यहाँ पे PCO2 कितना है 40 mm, यहाँ पे PCO2 कितना है 45 mm Hg, यहाँ पे PO2 कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ PO2 कितना है 40, बाकी ये में मजीद रहेगा ही। ये कैसा ब्लड है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आपको टूटेगा जरूर। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कौन है? राइट ए,
ये कौन है? राइट वी। ये कौन है? एल ए। और ये कौन है? एल वी। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, समझ में आ रही बातें? इधर एक तरफ PO2 कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mmHg, ये mmHg मिलीमीटर एचजी मतलब मर्क्यूरिक प्रेशर, बोलिए है ना। अब ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन इधर आ गया, कौन आ गया? O2 इधर आ गया और CO2 इधर चला गया, कौन चला गया? CO2 इधर चला गया। तो यहाँ पे PO2 कितना हो गया, यहीं से डिवाइड करते हैं, ये PO2 कितना हो गया 95 mmHg। PCO2 यहाँ कितना हो गया 40 mmHg हो गया। अपडेट ऐसे आएगा, हो गया ऐसे होके जाएगा, जाने दीजिए क्या प्रॉब्लम है, जा रहा जाए तो हो गया, कोई टेंशन है नहीं है। यहाँ पे PO2 कितना है 95 mmHg, PCO2 कितना है 40 mmHg है, यही ब्लड यहाँ आ रहा है, बोलिए। तो यहाँ पे कितना है, वही 95 mmHg PCO2 40 mmHg इधर आ रहा है, तो PO2 कितना हो गया 95 है, PCO2 कितना है 40 है, चलो ठीक है। तो जब यहाँ पे PO2 कितना है 40 है, मैं आपको बार बता चुका हूँ, क्या 40 mmHg बार बार लिखने कोई मतलब नहीं है, तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ये टिश्यू सेल में आएगा, बोलिए। और यहाँ PCO2 कितना है, PCO2 कितना है 45 mmHg, तो PCO2 किधर चला जाएगा, इधर O2 आया इधर CO2 गया, ब्लड कैसा है ये डीऑक्सीजनेटेड, अब समझ में आएगा, घबराइए मत, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, है ना। PO2 कितना होगा, PCO2 कितना होगा, आप बताइए यहाँ पे PO2 कितना होगा, हाँ PCO2 कितना होगा 45 mmHg, यही होगा ना, यही ब्लड जा रहा है ऊपर। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा तो समझ में आएगा। इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर कैसा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद रखिए, ये मैं जो डॉटेड लाइन यहाँ बनाया हुआ हूँ ऐसे, ये इधर इधर क्या है ऑक्सीजनेटेड, इधर क्या है डीऑक्सीजनेटेड, बात समझ में आई। अब हम आपको समझा दें, समझ लीजिएगा इसको, जान लीजिएगा, कोई बात नहीं है, इससे पूरी बातें आपको स्पष्ट समझ में आ जाए, एक्सचेंज कैसे कैसे हो रहा है, समझ में आएंगी ना। तो देखिए ये हार्ट है,
राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, इसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब बहता है। कोई पूछे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ बहता है, तो बदलेंगे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में। ठीक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ बहता है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक, बोलिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम किसी जगह से ले लें वहीं जाके पहुँच जाएगा। आई डबल सर्किट हर्ट है, ये कंप्लीट डबल सर्किट हर्ट। कैसा ब्लड है? कंप्लीट डबल सर्किट हर्ट है। कंप्लीट डबल सर्किट हर्ट का मतलब क्या होता है, एक बार डी ऑक्सीजनेटेड आएगा, डी ऑक्सीजनेटेड जाएगा, और फिर दोबारा क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड आएगा, ऑक्सीजनेटेड जाएगा। कैसे जाएगा? सबसे पहले टीसी सेल की बात करते हैं, कर लें इसे कि लंग से शुरू करें, नहीं याद लंग शुरू करते हैं। लंग में PCO2 का प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेयर में कितना होता है, आपको बता चुके हैं हम। एटमॉस्फेयर में कितना होता है, एटमॉस्फेयर मैंने बताया था 0.3 था, CO2 था। यहाँ ऑक्सीजन कितना था, O2 का लेवल यहाँ पे कितना था, 159 mmHg, यही था ना। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रेशर हाई, यहाँ लंग में प्रेशर कम। बोलिए, हाँ क्या, एटमॉस्फेयर में प्रेशर हाई, लंग में प्रेशर कम, तो क्या हो गया, इधर से इधर आ गया, कौन आ गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से, बाहर से अंदर। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा, फिर दूसरा जो है, अब PO2 पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या 104 mmHg है। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कैसा है, देखो इधर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कैसा है, 40, यही है ना, ये ब्लड 40 चला रहा है इधर से, 40 mmHg है प्रेशर ऑक्सीजन का। बोलिए, तो ऑक्सीजन जब इसमें डिफ्यूज हो जाएगा, इधर वाला पूरा ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होता चला जाएगा, एक समय ऐसा आएगा 40 से बढ़े कितना हो जाएगा, 95 mmHg। ये ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड, जो 40 था कितना बढ़ के हो गया, 95। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, CO2 का कंसंट्रेशन जो यहाँ 40 था, यहाँ 45 था, तो CO2 किधर चला गया, लंग में। CO2 डिफ्यूजेज इन द लंग फ्रॉम द ब्लड, एक लाइन की बात, ब्लड में CO2 कितना है, 45 है। देखें आप, PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, 45। ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, 40 mmHg है, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। बोलो, तो क्या होगा, CO2 हायर टू लोअर, यहाँ पे 40 था, यहाँ 45 था, CO2 इसमें चला गया। बोलिए, यहाँ पर कितना है, लंग में 104 mmHg प्रेशर है, तो क्या यहाँ पे कितना है, 40 mmHg प्रेशर PO2 का है, तो ऑक्सीजन इधर से इधर आ गया, अर्थात लंग एल्वियोलाई टू ब्लड कैपिलरी, आ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये PO2 95 mmHg हो गया, PCO2 40 mmHg हो गया ना, अब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये क्या है, अगर आप सब पूछे क्या हो सकता है, ये पल्मोनरी वेन है, ये आर्टेरियल सिस्टम है, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में, कहाँ आया लेफ्ट एट्रियम से, कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया, सिस्टेमिक एओर्टा से पूरे बॉडी में जाएगा आर्टेरियल सिस्टम के द्वारा। ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। कैसा है ब्लड, कितना है PO2, PCO2 कितना है, 40 है ना। अब यही बार आ रहा है कहाँ पर, टिश्यू सेल में आएगा, तो यहाँ पे टिश्यू सेल में PO2 कितना है, 40, ब्लड में कितना है, 95। अरे बोलो ना यार, हाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 40, और टिश्यू सेल में कितना है, 45। तो ऑक्सीजन ब्लड से कहाँ चलाएगा, टिश्यू सेल में, पूरा 95 जो MMHg प्रेशर वाला ऑक्सीजन है पूरा चला गया अंदर।
तो यहाँ पे पी ओ टू कितना बचा, 40, बोलिए ना। और जो 40 सी ओ टू था वो कार्बन डाइऑक्साइड टीसीएस से डिफ्यूज कर ले लिया तो कितना हो गया, 45, बोलिए ना। तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में फिर आपको क्या दिखाई देता है, पी ओ टू कितना हो गया 40 mmHg, कितना हो गया, और पी सी ओ टू कितना हो गया, पी सी ओ टू कितना हो गया 45 mmHg हुआ। अब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के द्वारा, वेना केवा के द्वारा कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में, कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम। ब्लड कैसा है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा है, राइट एट्रियम से कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल में। ब्लड कैसा है, डी ऑक्सीजनेटेड। राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, पल्मोनरी ओल्टा में, बोलिए ना, पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ गया। ब्लड कैसा है अभी, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा है, डी ऑक्सीजनेटेड। क्यों, क्योंकि पी सी ओ टू 45 है और पी ओ टू कितना है 40 mmHg है ना। अब यहाँ पर जब गया लंग में तो एक्सचेंज हो गया, लंग में क्या हुआ, एक्सचेंज, वही सी ओ टू कहाँ चला गया, लंग एल्वियोलाई में, कहाँ से, ब्लड कैपिलरी से। और फिर ऑक्सीजन कहाँ आ गया, ब्लड में, ये तारतम्य चलता रहता था, इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता रहा है कि डी ऑक्सीजनेटेड, एक बार आया शुद्ध, एक बार गया शुद्ध, एक बार प्यूरिफाइड ब्लड गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, एक सर्किट बना। दूसरा सर्किट, एक बार क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, एक सर्किट। दूसरा सर्किट, एक बार ऑक्सीजनेटेड आया और एक बार ऑक्सीजनेटेड गया, दो सर्किट बन गया, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्किट हर्ट। समझ में आ रही बातें, ये एक्सचेंज, यहाँ हर्ट भी बता दिया, एक्सचेंज अब गैसेज ऐसे होती है, ये गैस का एक्सचेंज ऐसे ही होता है। तो अब आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, यहाँ से जो यहाँ आ रहा है, बोलिए ना, पल्मोनरी वेंटिलेशन था, बताया था हमने आपको, एटमॉस्फेयर से लंग में जो आ रहा है वो पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक। फिर कहाँ से कहाँ, पल्मोनरी वेंटिलेशन हो गया, फिर आप ज़रा ध्यान दीजिए, जब यहाँ से यहाँ आया तो डिफ्यूज़न हुआ, दो प्रोसेस हो गया, ये पहला प्रोसेस था, ये दूसरा प्रोसेस था, फिर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये तीसरा प्रोसेस था, बोलिए ना, फिर यहाँ डिफ्यूज़न हो रहा है, क्या हो रहा है, डिफ्यूज़न हो रहा है, ये कौन सा प्रोसेस था, चौथा, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, पहला दूसरा तीसरा और चौथा जो डिफ्यूज़न हो रहा है, इसमें जा रहा है। और जो सेल के अंदर क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, ये पांचवा प्रोसेस होता है, कौन, सेलुलर रेस्पिरेशन। यही मैं आपको चार पांच बातें बताया हुआ हूँ, बात समझे, एक्सचेंज में पांच बातें जो आपने लिखा था, पहला क्या था, पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब होता है वेंटिलेशन, ये है पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब क्या होगा, इधर देखो, एटमॉस्फियर, हम एकदम सिंपल में लिख दे रहे हैं, एटमॉस्फियर टू लंग और लंग टू एटमॉस्फियर, समझ में आया। दूसरा प्रोसेस, ओ टू डिफ्यूजेज इन, कहाँ पे डिफ्यूजेज इन, ब्लड, ऐसे लिख देते हैं, एल्वियोलाई टू ब्लड कैपिलरी, एल्वियोलाई टू ब्लड कैपिलरी क्या जाएगा, ओ टू जाएगा, और ब्लड कैपिलरी टू एल्वियोलाई क्या आएगा, सी ओ टू आएगा, दूसरा प्रोसेस, बोलिए हुआ,
तीसरा प्रोसेस क्या है, एक एक शब्द में, तीसरा प्रोसेस ये डिफ्यूज़न है, ये क्या है डिफ्यूज़न, फिर ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट है का O2 एंड CO2, चौथा क्या है, कहाँ से कहाँ, ब्लड टू टिश्यू सेल्स, अगर समझ में आएगा तो समझिएगा, और टिश्यू सेल टू ब्लड, ब्लड से टिश्यू सेल में क्या जा रहा है, ब्लड से टिश्यू सेल में क्या जा रहा है बताइए ना, ब्लड से टिश्यू सेल में क्या जा रहा है, O2, ये देखो O2 जा रहा है, और सेल से ब्लड में क्या रहा है, CO2, हो गया। फिर चौथी बात सेलुलर रेस्पिरेशन, पांचवी बात कौन सी है, सेलुलर रेस्पिरेशन आपको उस दिन हम समझाए थे, आपको पुनः एक बार रिवाइज कर दे रहे, सारी बातें इसमें दिखाई दे रही हैं। एटमॉस्फेयर टू लंग में गया, पल्मोनरी वेंटिलेशन हुआ, क्या हुआ, यहाँ से आए, ये एक्सचेंज हुआ है, डिफ्यूज़न है, ये पूरे ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है इधर से इधर, ये क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फिर ब्लड में से कहाँ आ रहा है, ब्लड में सेल में से ब्लड में जा रहा है, ब्लड में से सेल में से ब्लड में जा रहा है, ये क्या है, ब्लड से सेल से ब्लड, ये क्या है, डिफ्यूज़न, फिर डिफ्यूज़न है, ये डिफ्यूज़न है, यहाँ पर भी डिफ्यूज़न हो रहा है, यहाँ पर भी डिफ्यूज़न हो रहा है, और सेलुलर रेस्पिरेशन वही कौन कौन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्रेब्स साइकिल, और वो चल रहा है, बात हो गई ख़त्म। ये एक्सचेंज आप गैसेज होते हैं, बात समझ में आई, बोलो भाई, अब इरेज कर दें इसको, इरेज करें, चलो बना लिए हैं, आगे जो पढ़ना है आपको इसी में दिखा रहे हैं अभी, कैल एयर को एक्सचेंज करते, इधर देखिए कैल एयर को क्रॉस करते हैं एक्सचेंज के दौरान, एक्सचेंज के दौरान कैलियर क्रॉस करती है ब्लड कैपिलरी से लंग एल्वियोलाई में, PO2 कितना है, ये वही 104 है, PCO2 कितना है, PCO2 कितना है, लो ऊपर लिख दे रहे हैं 40 है, बोलिए ना, अब आपको करना क्या है, वो आप याद है ये सब बातें आपको, यहाँ भी कितना है PCO2 45 BMEM
PO2 कितना है? 40 mmHg, बोलिए ना, है ना। तो क्या करना है आपको, इधर देखिए O2 किधर भेजना है, O2 इधर आएगा और CO2 किधर जाएगा, इधर जाएगा CO2 जाएगा ना। क्या मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, पहला मेम्ब्रेन स्क्वायमस एपिथेलियम ऑफ, क्वेश्चन है ये नीट का, स्क्वायमस एपिथेलियम ऑफ लंग एल्वियोलाई, लंग एल्वियोलाई, फिर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये कौन है, चिप्रक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, पहला हो गया, दूसरा हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, तीसरा है, तीसरा लेयर, फिर स्क्वायमस एपिथेलियम ऑफ, स्क्वायमस एपिथेलियम ऑफ, स्क्वायमस एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, इसको बोलते हैं इंडोथेलियम, इसको क्या बोलते हैं, इंडोथेलियम। तो अगर आपसे कोई पूछे O2 के या CO2 के एक्सचेंज के दौरान कै मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, तीन मेम्ब्रेन, क्वेश्चन है ये कै मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, तीन मेम्ब्रेन को, तो देखो कैसे तीन मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, सीक्वेंस होगा, O2 जा रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब कहाँ, ब्लड कैपिलरी में, ब्लड कैपिलरी में जा रहा है किसका, O2, O2 ऑफ लंग एल्वियोलाई, ठीक है। कै मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा, यहाँ पे लिखेंगे आप, क्रॉस करेगा, याद नहीं भी नहीं करना है आपको, अपने आप समझ में आ जाएगा, क्रॉस करना है कै मेम्ब्रेन को, थ्री मेम्ब्रेन, नीट का क्वेश्चन, थ्री मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, नाम सीक्वेंस वाइज होगा, O2 के लिए पहला होगा कौन सा, स्क्वायमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, तीसरा इंडोथेलियम, डायरेक्ट लिख दे क्या प्रॉब्लम है, इंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, हो गया ना, समझ में आया, क्या हो गया प्रदीप, ते उधर किसको, तू इधर प्रदीप, तू फुसकोल का सा, कुछ परेशानी है आप लोगों को, हैं तुम लोग परेशानी है, कुछ दुखी का हो, तो बहुत ज़्यादा दुखी मत हो, हो गया, देखो आप लोग कोई परेशानी है, हैं ऐसे रिएक्शन करे जैसे लग रहा है 2-3 महीना से खाना ना खाए हो, रिएक्शन तो ऐसा ही हो रहा है, यह देखो डॉक्टर वैसे थोड़ा ही कोई बनता है, एक दिन में समय लगता है ना थोड़ा, तो समय दीजिए, समय दीजिए, आप देखो आगे अगर क्या हो रहा है, CO2 का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसका, CO2 ट्रांसपोर्ट,
देखो अब CO2 हो रहा है तो मेम्ब्रेन उल्टा हो जाएगा, एंडोथेलियम बेसमेंट में स्क्वायर में एपिथेलियम ऐसे उल्टा कर देंगे, तीन मेम्ब्रेन तब क्रॉस करेगा, इसको ख्याल के रहिएगा। और अगर नहीं किया ऐसा फंस जाएंगे। हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, मैं बोर्ड कल उस दिन वो बनाया हुआ था चेकबोर्ड जिसको बोलते हैं, इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन स्टीरियो कंसंट्रेशन वो क्वेश्चन पूछता है, नीट में बहुत बार पूछा हुआ है। तो तीन मेंबर क्रॉस करेगा और टुगेदर किधर, स्क्वायमस बेसमेंट और एंडोथेलियम। अगर CO2 होगा तो एंडोथेलियम बेसमेंट में और स्क्वायमस, कोई टेंशन है अभी आपको, ये एक्सचेंज आपका ऐसे होता है। चलो एक्सचेंज करा लिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कराएंगे, ट्रांसपोर्ट कराएंगे कराइए, हमको क्या टेंशन है। इसको याद कर रहिएगा, पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। समझ में आ रहा हो आपको, सिकंदर महान पढ़ते रहो, जक्कास बिंदास। हाँ और क्या, तो हम पढ़ा ही चुके हैं तुम लोग, तुमको तो एकदम कुछ नहीं पढ़ना है, खाली केमिस्ट्री मिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स इरेज करें। ट्रांसपोर्ट आप कैसे ग्लाइडिंग है, ट्रांसपोर्ट आप कैसे अगला हेडिंग होगा, गैसेज का ट्रांसपोर्ट। इरेज करें इसको, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ब्लड के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है। पहला है इसमें, पहला होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करा दें, ठीक है। अब देखिए लगभग कितना परसेंट, अबाउट 97% O2 ट्रांसपोर्टेड, लगभग 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, किस रूप में, अबाउट 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन 3% केवल ब्लड प्लाज्मा के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू। पहली बात हो गई, ब्लड जो होता है लगभग कितना 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, समझ रहे हैं ना, ब्लड 20 ml ऑक्सीजन को लंग में से पकड़ के कहाँ तक ले जाता है, टी से उसल तक, बात समझ रहे हैं ना। पर 100 ml ऑफ ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन कैप्चर होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में टीस्यू सेल तक जाता है, उसमें से डिलीवरी कितनी होती है, केवल 4 से 5 ml। आपके NCERT में एक जगह 4 ml लिखा है, एक जगह 5 ml, हम दोनों बातें बताए, 4 से 5 ml। अच्छा ठीक, जादू में बताया कोई से, हम नए नजरिए आ जाओगे, मंगलवार है आज, हो गया, यह देखो सुनो, 4 से 5 ml होता है, मान लो बस खत्म, सुनो हो गया। तो मैंने कहा अबाउट 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड किसके थ्रू, इन फार्म ऑफ, किस फार्म में,
इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं HbO2, ऐसे लिख लेते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। 3% O2 ट्रांसपोर्टेड थ्रू, किसके थ्रू ट्रांसपोर्टेड होता है, ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्लाज्मा, हो गया पहली बात, यही बातें आप बता दें। दूसरी बात देखो, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, मतलब कैरी कर सकता है। 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन बाइंड, कितना बांध सकता है, कैन बाइंड 4 O2 मॉलिक्यूल, इससे ज्यादा इसकी क्षमता ही नहीं। 2 अल्फा 2 बीटा चेन का बना हुआ होता है, समझ रहे हैं ना, तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है, 5वां नहीं कर सकता। हमारी बात समझ में आ रही है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन बाइंड, या आप कैन ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, बाइंड करके ले जाएगा ना, कैन ट्रांसपोर्ट 4 O2 मॉलिक्यूल, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करके ट्रांसपोर्ट कर सकता है, हो गया, बोलिए ना। आप ज़रा ध्यान दीजिए, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन जो होता है, हमारी बात को गौर करिएगा, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन जो होता है लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन रखता है पर 100 ml, ये देखिए, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन, सुनिए, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन 100 ml ऑफ ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन रखता है, ठीक है, आपसे 12-16 दिया रहता है, लेकिन एक एवरेज माने 15 ग्राम, कहेंगे सर जी आप 12-16 ग्राम दिया बुक में, हम कहें कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है, एवरेज मान लो 15 हो गया ना, 15 है तो मस्त है, कोई टेंशन नहीं है, एनीमिया नहीं है, 9 के नीचे एनीमिया हो जाता है, 9 के नीचे अगर हीमोग्लोबिन पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा, एनीमिया। तो मैंने क्या बताया, 100 ml ऑफ ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होगा, 15 ग्राम मान लो, 12-16-15 मान लो, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, 1.34, वो बुक में आपको नहीं लिखा हुआ, वो मैं बता रहा हूँ, वही आता है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, तो 100 ml ऑफ ब्लड कितना ट्रांसपोर्ट करेगा, तो 100 ml में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो 20 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, बात समझे। अब यहाँ पर मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, उसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, ए हेल्दी पर्सन, ए हेल्दी पर्सन कैन ट्रांसपोर्ट, ए हेल्दी पर्सन कैन ट्रांसपोर्ट, कितना ट्रांसपोर्ट कर सकता है, कैन ट्रांसपोर्ट 20 ml ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड, क्यों ऐसा होता है,
अबाउट 15 ग्राम हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ ब्लड. पर 100 ml ऑफ ब्लड. इसलिए क्या होगा, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन पर 100 ml ब्लड. और फिर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट, कितना ट्रांसपोर्ट करता है, कैन ट्रांसपोर्ट 1.34 ml O2. हेंस 100 ml ऑफ ब्लड कैन ट्रांसपोर्ट 20 ml ऑफ ऑक्सीजन. गुणा कर लीजिए, देख लीजिए, ऐसे गुणा करेंगे 1.34 में किसका गुणा कर देंगे, 20 का नहीं कर पाएंगे, सॉरी 1.34 का, 1.34 में 15 का, सॉरी कितना कर देंगे, 15 का. अरे 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, 15 का जब गुणा करेंगे तो लगभग 20 के अगल बगल आएगा, 20 समथिंग आएगा, तो लगभग 20 मान लेते हैं, 15 से गुणा करिएगा तो लगभग 20 समथिंग आएगा ना, ये लेके जाता है. अब डिलीवरी इसमें कितना होती है, डिलीवरी 4-5 ml O2 delivered to the tissue cell per 100 ml of blood. किससे, पर 100 ml ऑफ ब्लड के द्वारा. जरा ध्यान दीजिए, लेके जा रहा कितना, 20 ml ऑक्सीजन लेके जा रहा है, लेकिन डिलीवरी कितना सेल में कर रहा है, सेल में छोड़ कितना रहा है, 4-5 ml, बोलिए ना, अर्थात आप कह सकते हैं 20-25% छोड़ रहा है, यही ना. अरे 20 में से आप चार, कितना ये 20 है ना, 20 में से कितना छोड़ रहे हो, 4-5 ना, ये 20 आप साफ साफ लिख लीजिए, नहीं कहेंगे सर जी 20 दिखाइए नहीं दे रहा है, ये 20 है ना, इसमें से कितना आप छोड़ रहे हो, 4-5 ml, 4 छोड़ेंगे तो कितना हो गया 20%, और 5 छोड़े तो 25% छोड़ दिया. बाकी फिर आपसे अगर कोई आपसे पूछे कि क्या डी ऑक्सीडेटेड ब्लड में, क्या वेनस ब्लड में, आपसे कोई पूछे अगर वेनस ब्लड में कितना परसेंट ऑक्सीजन होगा, तो क्या बताएंगे आप, बोलो परसेंट ना पूछे, ml पूछ दे, परसेंट पूछेगा तो आप बता दें 75-80% रह जाता बच्चा, या ऐसे पूछेगा तो आप बताइए कितना, 15-16 ग्राम बचा रह जाता ऑक्सीजन जो लेके जाता है, ml बचा रह जाता है. बोलिए वेनस ब्लड में भी ऑक्सीजन होता है, ये याद रखिएगा. इमसवे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नाम है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या नाम है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या बताइए उसमें ऑक्सीजन नहीं है, है ना, कितना परसेंट है, 75-80% ऑक्सीजन है, 20% तो छोड़ के आया है,
इस बात को जानते रहिएगा। अब यहीं पर एक बात और आप बता दे रहे हैं, हीमोग्लोबिन जो होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यह दोनों हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये दोनों की क्वालिटी होती है। एक ठो दोनों की क्या क्वालिटी होती है, हीमो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होते हैं दोनों ही ऑक्सीजन को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। बोलिए ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड को कैरी करके ले जा रहा है, छोड़ के फिर आ रहा है, तो पूर्ण रूप से हीमोग्लोबिन थोड़ा ही बन गया है। बोलिए ना, आप कुछ ऑक्सीजन तो बचा रह गया, उसमें बचा रह गया कि नहीं रह गया, इसीलिए इसको बोलते हैं पूर्ण रूप से ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं होती, पूरा का पूरा ऑक्सीजन डिलीवर्ड नहीं होता जितना ब्लड के द्वारा कैप्चर किया जाता है। यही बात और बताएं, हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बफर की तरह काम करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बफर की तरह काम करता है। हीमोग्लोबिन बेसिक नेचर का होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसिडिक नेचर का होता है, एसिड बेस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एसिड बेस दोनों मिलकर बनाते हैं बफर। तीन बफर मोस्ट एबंडेंटली आपकी बॉडी प्रेजेंट है, मोस्ट एबंडेंटली तीन बफर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन बफर, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट, बस दोनों ब्लड में ही है बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर, और तीसरा होता है फास्फोरिक एसिड और फास्फेट बफर। ये तीन बफर मेन रूप से इंपॉर्टेंट, बाकी तो और हैं, यही पूरे बॉडी में एक सिस्टम मेंटेन करते हैं ताकि पीएच किसी के घटने बढ़ने ना पाए। पीएच का घटना बढ़ना आपके लिए हानिकारक है, हमारी बात समझे। हीमोग्लोबिन कैसा बफर है, बेसिक ऑक्सी सॉरी हीमोग्लोबिन कैसा है, बेसिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसा है, एसिडिक है, दोनों मिलके क्या बना लिए, बफर, जिसका क्या हो रहा है, पीएच चेंज नहीं हो रहा है। अब आप आगे चलते हैं, आपको दिखा दें, यहीं पर एक बात बता दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान दीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड दो सौ से तीन सौ गुना ज्यादा रिएक्टिव होता है, 200 से 300 गुना क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन की तुलना में, किसकी तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में। दो बातें बता दे रहे हैं, इधर देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ध्यान दीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड कितने से कितने गुना, 200 से 300 गुना, 200 टू 300 टाइम्स मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन O2 विथ हीमोग्लोबिन। विथ हीमोग्लोबिन हो गया ड्यूरिंग CO पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, क्या होगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म्ड, हीमोग्लोबिन फॉर्म, विच इज स्टेबल कंपाउंड, विच इज स्टेबल कंपाउंड है ये,
कैसा कंपाउंड है? स्टेबल कंपाउंड है। क्या करता है? कॉजेज डेथ। क्या करता है? कॉजेज डेथ, डेथ कॉज करता है। ऐसा क्यों है? कॉजेज डेथ, ऐसा क्यों है भाई? कॉजेज डेथ, डेथ क्यों कॉज करता है? एस्फिक्सिया और हाइपोक्सिया कारण, लैक ऑफ ऑक्सीजन कारण, समझ रहे हैं ना? कॉज डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया मतलब ऑक्सीजन की क्या होगी, कम, एकदम लैक हो जाएगा और मौत हो जाएगी। इसलिए अंगीठी उंगठी जला के, धुआं वुआ जला के नहीं सोना चाहिए। जैसे बहुत से लोग होते हैं, पता लगा जाड़े में अंगीठी जला के सुलगा के सोए हुए थे, सुबह उनकी लाश निकली। लाश कहाँ के लिए निकली? ऑक्सीजन कमरा टाइट बंद कर दिए, कार्बन मोनोऑक्साइड फैल गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। अगर खुला रहेगा दरवाज़ा तब तो प्रॉब्लम बहुत नहीं होगी, अगर एयर टाइट हो गया कमरा, मरना है। क्योंकि कार्बन अंगीठी जला के सुलगा के रखे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ गया, ऑक्सीजन कमी हो गई, हाइपोक्सिया होगा, उसके बाद एस्फिक्सिया होगा, डेथ हो जाएगी। ये सामान्य बात है। आप पेपर पढ़ेंगे, दम घुटने से 3 लोगों की मौत। दूसरा है, एक बात और ही बता दें, माउंटेन सिकने से ही बता दे रहे हैं। कुल क्वेश्चन पूछता है आपसे, नहीं पूछता और न जानते होंगे। माउंटेन सिकनेस ये क्या होता है? माउंटेन सिकनेस है क्या? हाई एल्टीट्यूड पे जाने के बाद माउंटेन सिकनेस इसको बोलते हैं, या इसी को एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अगर माउंटेन सिकनेस ना होता ऐसे लिख देंगे तो कहीं मत समझिएगा सर जी नहीं बताए थे, हम बता दे रहे हैं। एल्टीट्यूड सिकनेस, जब हम कहाँ जाते हैं? हाई एल्टीट्यूड पर, ऊंचाई पर, पहाड़ी बहुत ऊंचाई, ऊंचाई मतलब बिना 3 तल्ला चढ़ गए क्या ऊंचाई पहुँचे हुए हैं, नहीं माउंटेन पे, समुद्र तल से बहुत ऊंचाई भिजवाते हैं, समझ रहे हैं ना? तो क्या होगा? वेन वी रीच, कहाँ पहुँचते हैं? जब पहुँचते हैं हम, ध्यान दीजिए, जब हम पहुँच जाते हैं कहाँ पे? हाई एल्टीट्यूड पर, रोहतांग मनाली मानसरोवर है ना, तो वहाँ पर जब जाते हैं तो काफ़ी ऊंचाई होता है, तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है। किसका प्रेशर कम हो जाता है? ऑक्सीजन का। जब ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है तो हीमोग्लोबिन, देखो इधर, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैप्चर नहीं कर पाता जितना हीमोग्लोबिन आपके पास है, बोलिए ना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैप्चर नहीं कर पाता, तो आपको चक्कर आने लगता है, हेडेक से माथा पकड़ लेगा, ब्लूनेस ऑफ लिप्स नेल हो सकता है, नाखून हरा दिखाई देगा और लिप हरा दिखाई देगा। ऐसा क्यों? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके अंदर ज़्यादा हो रहा है। अब फिर वीकनेस आपको आएगा, टायर्डनेस आएगा, नासिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, एलाटा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब वहाँ पर आप 4-5 दिन 6 दिन 7 दिन 1 हफ्ता मिनिमम 7-10 डेज जब रह लेंगे तो RBC काउंट आपका बढ़ जाएगा, RBC की संख्या बढ़ जाएगी, RBC काउंट इंक्रीजेज, हीमोग्लोबिन कंटेंट इंक्रीजेज। जब हीमोग्लोबिन कंटेंट इंक्रीज कर जाएगा, RBC कंटेंट इंक्रीज कर जाएगा, सारी समस्या आपकी समाधान एडजस्ट हो जाएंगे। एडाप्टेशन इसको बोलते हैं, आपको 12th पढ़ाया जाता है, हमें ही बता दे रहे हैं आपको ताकि यही दिमाग में क्लू रहे, फिर वहाँ जब पढ़े फिर एक बार क्लिक कर जाए, बात समझे। क्वेश्चन पूछता है, रोजी चीक अप माउंटेन लेडी इज ड्यू टू, गुलाबी गाल पहाड़ी महिलाओं का होता है क्यों? इंक्रीज नंबर ऑफ RBCs, RBCs काउंट इंक्रीज होता है, जब RBC काउंट इंक्रीज करेगा तो हीमोग्लोबिन अपने आप बढ़ जाएगा, बोलिए ना, इसलिए वहाँ गुलाबी गाल होते हैं उनके। तो ये माउंटेन सिकनेस है, हमारी बात समझ में आई? माउंटेन सिकनेस मैंने क्या बताया, माउंटेन एल्टीट्यूड सिकनेस में व्हेन वी रीच, कहाँ पहुँचते हैं? एट हाई एल्टीट्यूड, वी रीच एट हाई एल्टीट्यूड, जब पहुँचते हैं कहाँ पर? एट हाई
एल्टीट्यूड, जब पहुंच जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पर, एट हाई एल्टीट्यूड देन O2 प्रेशर डिक्रीजेज, O2 प्रेशर डिक्रीजेज एंड ऑक्सीजन O2 कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीजेज। O2 कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। जब O2 कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज कर जाएगी तो क्या होगा, ए बोल क्या होगा भैया, O2 कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज कर जाएगी। जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज कर जाएगी तो क्या होगा, नासिया, वोमिटिंग, हेडेक, नासिया में नाचना नहीं मैं बोल रहा हूँ, नासिया है ये, जी मितलाना, वोमिटिंग, उल्टी होना, हेडेक, सर भारी पकड़, सर को पकड़ लेना, वीकनेस, कमजोरी का महसूस होना, सोने की टेंडेंसी आ जाना, जैसे बोलिए बेहोशी की मुद्रा में, ब्लूनेस ऑफ लिप्स एंड नेल, ब्लूनेस ऑफ लिप्स एंड नेल्स, लिप, होंठ, नाखून नीला हो जाएगा, हो गया, अकर्स, ETC लिख लीजिए, अकर्स हो सकता है। ऐसा क्यों हुआ, ऑक्सीजन की आपके बॉडी में कमी हो गई, आपके बॉडी में क्या हो, ऑक्सीजन की कमी हो गई। जब आप एक हफ्ते रहेंगे, आफ्टर 7 to 10 days, कितने दिन के बाद, आफ्टर 7 to 10 days, एक ही वीक के अंदर, आफ्टर 7 to 10 days, 7 to 10 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा सब। देखिए आफ्टर 7 to 10 days, 7-8 दिन में हो जाएगा, RBC काउंट इंक्रीजेज, काउंट इंक्रीजेज, RBC काउंट क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, RBC काउंट इंक्रीजेज, हो गया, हीमोग्लोबिन कंटेंट इंक्रीजेज, एंड बॉडी एडजस्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू, एंड बॉडी अडॉप्टेड फॉर माउंटेन, एंड बॉडी अडॉप्टेड फॉर, बॉडी नहीं पर्सन कह लीजिए, का बॉडी पर्सन एक होगी ना, एंड पर्सन अडॉप्टेड फॉर, अडॉप्टेड फॉर किसके लिए अडॉप्टेड हो जाएगा, अडॉप्टेड फॉर, adapted for altitude habitat, या habitat के लिए कह लीजिए, वहाँ रहने के लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगा, हो गया। रोजे चिकअप माउंटेन लेडी इज ड्यू टू, किसके कारण, इंक्रीज RBC काउंट और हीमोग्लोबिन, अभी सब नहीं लिखवाएंगे, हो गया, कोई टेंशन बताइए।
अब यहीं पर मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, एक और बातें हैं जो आपको जानना है, समझना भी है। इरेज करें इसको, हो गया। कभी कभी आपको मैं एक और बात बता दें यहीं पे, बहुत दिन का कुआं अगर हो, वेल, ओल्ड वेल, पुराना कुआं हो, इन ओल्ड वेल मीथेन आर प्रोड्यूस्ड विच इज डेडली पॉइजनस। डेडली पॉइजनस क्यों होता है? मैंने कहा जो पुराना कुआं होता है, कभी कभी आपने सुना होगा पेपर में अधिकतर देखते हैं कि जहरीली गैस के रिसाव के कारण कुएं में दो मजदूरों की मौत। कुएं मजदूर घुसेगा और कोई सामान्य व्यक्ति घुसेगा, हमसे कोई कभी कुआं में घुस जाए हम खुद घुसेंगे? हम क्या, हमारे बस की बात ना है। मजदूर हैं बेचारे, उनके पास पैसे हैं, सोचेंगे चलो घुस देते हैं, 500 रुपये मिल जाएगा। रस्सी उसी बार घुसे तो वहाँ पे घुसने के बाद वहाँ जैसे घुसे मीथेन निकल रहा है, मीथेन उसके उस कुएं से निकल रहा है। मीथेन आपके हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करेगा, मिथॉक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा, तुरंत आदमी की मौत हो जाएगी, तुरंत ऑन स्पॉट कुछ देर में ही मर जाए। इसीलिए पहले के लोग क्या करते हैं, अब आपके जैसे बुद्धिमान जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, लालटेन जला लेंगे। लालटेन जानते हैं, लालटेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है। लालटेन को जला लेंगे और उसको रस्सी पर ढीलेंगे कुएं में नीचे तक, समझ रहे हैं ना। जब कुएं में नीचे तक ढील देंगे उस लालटेन को, डेबरी को, जिसको भी समझो, अगर वो बुझ गई वहाँ जाने के बाद, इसका मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, मीथेन है ना घुसे में। अब अगर नहीं बुझी, जल रही है काफ़ी देर तक, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर सेफ, आप उस कुएं में घुस सकते हैं। तो मैंने कहा अगर मीथेन, फिर सुन लीजिए, मीथेन गैस निकलती है कहाँ से? मीथेन गैस निकलती है पुराने कुएं से, और वो मीथेन गैस आपसे आपकी हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करती है तो मिथॉक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है? मिथॉक्सी हीमोग्लोबिन, समझ रहे हैं ना। अगर HB से कौन रिएक्शन कर रहा है? ये हीमोग्लोबिन है, इससे रिएक्शन कर रहा है कौन? CH4 बना लेता है क्या? मिथॉक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या है? डेडली पॉइजनस है, मार देने वाला पॉइजनस है। बोलिए ना, ये कहाँ से निकलता है? मीथेन। ये हीमोग्लोबिन है, ये मीथेन है, कुएं से निकलता है पुराने, मिथॉक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और पेशेंट को मार ही देगा, तो मारने दो, हमको क्या प्रॉब्लम भाई। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम तो हमको है, हम आपको पढ़ा दे रहे हैं ताकि आप ऐसी गलती न करें, न किसी मजदूर को अंदर घुसने दें। अब घुसने दें तो पहले क्या करिए, लालटेन जला को भेज दे, ऑक्सीजन है कि ना है। अब कहेंगे लालटेन में नहीं मिल रही है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। अब आगे देखो, अगर हीमोग्लोबिन कंटेंट, ए लड़कियों शांत जाओ, हीमोग्लोबिन कंटेंट अगर क्या हो रहा है, इफ HB हीमोग्लोबिन कंटेंट, अगर हीमोग्लोबिन कंटेंट क्या कर रहा है, डिक्रीजेज बेलो, हीमोग्लोबिन कंटेंट डिक्रीजेज बेलो द, किसके नीचे पहुंच जा रहा है? इफ हीमोग्लोबिन कंटेंट डिक्रीजेज बेलो द, किसके नीचे चला जा रहा है? 9 g/100 ml ऑफ ब्लड, तो उसको क्या कहेंगे हम? एनीमिया कहने लगते हैं। समझा दें आप कुल बातें यहीं पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनीमिया, रक्ताल्पता, खून की कमी हो जाती है, हो गया। यह रक्ताल्पता दो कारण से होता, मैं आपको बता चुका हूँ, विटामिन नौ बारह से ज़्यादा होता है, परनीशियस वाला सबसे ज़्यादा 12 से होता है, खतरनाक वाला 12 से होता है, फोलासिन, फोलिक एसिड और सियानोकोबाला मीन, दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए?
हीमोग्लोबिन कंटेंट को मेंटेन रखने के लिए, आरबीसी के फार्मेशन के लिए। अगर उसकी कमी हो जाएगी तो एनीमिया होगा, उसमें हमारी गलती कुछ नहीं होगी, सारी प्रॉब्लम आपकी है, समस्या आपकी हो जाएगी। इरेज करें, चलते हैं। आगे जो पढ़ना है आपको, देखिए एक बात बता दें, इसी के बाद आपको जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर दिया होगा, ठीक है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व या तो कहीं अभी बताया, या तो कहीं कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की बात तुरंत तब बताएं, तब उसमें हेल्डन इफेक्ट बोर इफेक्ट भी बता देंगे, दोनों आपको साथ मिल जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। लेकिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन अगला है, डालिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या है ये? ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व किसे कहते हैं, है ना? अब देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के विषय में आपको जानना है, बात समझ रहे हैं ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा, पहले ग्राफ देखिए, समझ जाएंगे तब लिख पाएंगे कुछ। तिरछा नहीं होना चाहिए, तिरछा हुआ गड़बड़ा जाएगा। हो गया, देखो इधर ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व भागता है कैसे, देखो इधर, जब अभी हालत है तो क्या होगा आगे, प्रभु जाने, क्या जाने, नहीं होगा, होगा इधर क्या है, परसेंट ऑफ सेचुरेशन ऑफ HB विथ किसके साथ, O2, ठीक है। इधर की तरफ क्या है, पहले सीधा कर लेनी है, हतवा सीधा नहीं होता, PO2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 25 पे, PO2 इन किस में रहेगा ही, MM 25 पे, 25 MM जी प्रेशर पे कितना हो गया, 25 पे कितना हो गया 50, इधर लिख दे रहे हैं परसेंट ऑफ HB सेचुरेशन विथ किसके साथ, O2, 25 पे कितना हो गया 50, 25 MMHg प्रेशर आपने बढ़ाया, 25 MMHg प्रेशर आपने बढ़ाया, 50 क्या हो गया, पचास% हीमोग्लोबिन सेचुरेट हो गया। बोलिए फिर आपने क्या किया, अस्सी कर दिया, 50 कर दिया आपने क्या, MMHg प्रेशर अब कितना हो गया, 80% लगभग
80% हीमोग्लोबिन क्या हो गया, सेचुरेट हो गया। बोलिए, फिर आपने क्या किया, आपने प्रेशर आपने कितना बढ़ा दिया, 100 कर दिया। 100 में कितना हो गया, 100 में इधर देखिए 100% हीमोग्लोबिन सेचुरेट हो गया, नहीं 100% हीमोग्लोबिन क्या हो गया, सेचुरेट हो गया। 100% हीमोग्लोबिन क्या हो गया, सेचुरेट हो गया। कैसा मिल रहा है कर्व, सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड, लीडिंग है, बोलिए ना, लीडिंग है, लैगिंग फेज है, फिर स्टडी है, बोलिए ना, ये स्टडी हो गया। आप स्टडी मतलब आप 120 mmHg प्रेशर कर दीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब 100% सेचुरेशन हो गया तो फिर ऑक्सीजन कहाँ पकड़ेगा, कितना प्रेशर बढ़ाते जाए, 150 कर दो तब वो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, स्टडी स्टेट है ये। यही क्या हो गया, स्टडी स्टेट है, स्टडी अवस्था है, स्टेज, लीडिंग अवस्था ये है। बात समझ रहे हैं ना, सबसे मेरे 25-50 हो रहा है, फिर 50-80 हो गया, और फिर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, आपने 50 mmHg प्रेशर बढ़ाया ना, हाँ अरे 50 mmHg प्रेशर बढ़ाया ना, लेकिन कितना 20% हीमोग्लोबिन सेचुरेट होगा, तब मेरे ग्रेफ वाइज से भाग रहा है। समझे हमने यार, हम क्या बता रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं, समझ में आ रहा है, बोलो जी समझ में आ रहा है तुमको, फिर से समझा देंगे, तो ये बोल नहीं पा रही हो, ऐसे लग रहा है जैसे शादी में आई है। यह देखो 25 mmHg प्रेशर बढ़ाएंगे, ध्यान समझिए, ये कहानी सुना करिए, 25 mmHg प्रेशर आपने बढ़ाया, 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बंध गया, सेचुरेट हो गया, संतृप्त हो गया, बोलिए हाँ, आपने प्रेशर फिर कितना बढ़ा दिया, 50 कर दिया, कितना 80% सेचुरेशन हो गया, जबकि होना कितना चाहिए था 25 पे 50, तो 50 पे 100 जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा, स्लो हो रहा है, बोलिए। अब फिर आपने प्रेशर कितना बढ़ा दिया, डायरेक्ट 100 कर दिया, 100 भी कितना हो गया, 100% हीमोग्लोबिन सेचुरेट हो गया। अब उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा, क्या होगा, स्टडी। बात समझ में आ रही है अभी, अब ज़रा ध्यान दीजिए, अगर कर्व किधर भाग रहा है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर बता रहा हूँ, जैसे यहाँ से आप क्लास में से छूटे, छूटने के बाद तुरंत भागे घर पे गए तो वहाँ पे खूब भूख लगी है, भूख लगे हैं, अब भूख लगे तो पहले पहुँचोगे और बढ़िया खाना मिल गया, पनीर उनीर बढ़िया बना हुआ है, बोलिए ना, पनीर टिक्का मसाला, पनीर दो प्याज़ा, पनीर अंगारा मिल बना के रखा हुआ है, अरे देखो पुलाव भी रखा है, रोटी भी बढ़िया रखी हुई है, और उसके बाद सलाद वलाद काट के सजा कर रखा गया है, तो पहले जब पहुँचेंगे इधर देखो, जब पहुँचेंगे तो क्या होगा, जल्दी जल्दी मारेंगे, खाएंगे ना, और उसके जब पेट भर जाए काफ़ी देर तक, तब धीरे धीरे खाएंगे, बतिया बतिया के, हाँ हम गए रहे वहाँ, अरे क्या बताए, कोचिंग में आज बहुत भूख लग गई थी, लेकिन फिर अब खाएँ लगे, अरे बतियाएँगे ना, अब फिर उसके बाद जब और कोटा फुल हो गया तब जानते पानी पी खाएंगे, थोड़ा थोड़ा और पानी पी लेंगे, फिर खाएंगे, जब अटकने लगे यहाँ तक, जब यहाँ तक चढ़ जाएगा पूरा 100%, जब आप पेट पूरा भर गया, उसके बाद मौसी आ गई, बेटा एक रोटियाँ ले लो, एक रोटियाँ ले लो, अरे नहीं मौसी तभी गर्मी मौसम चल रहा है, गड़बड़ा जाएगा, नहीं बेटा और खा लो, बेटा पेट में फाड़ खाएंगे, बेटा पेट फाड़ खा सकते हैं, संभव ऐसा, या तो फिर खाएं यहाँ तक तो फेंकने लगे, फिर वोमिटिंग करने लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, सुना, तो यहाँ पे क्या है, जब 100% सेचुरेशन हो गया तो उसके बाद कहाँ सेचुरेट होंगे, ये पूरा कैपेसिटी फुल हो गई,
पहले क्या है इधर देखो, जल्दी जल्दी खाने वाला है, फिर बतिया बतिया खाने वाला है, फिर पानी पी पी के खाने वाला है, उसके बाद भी जब फुल सिचुएशन हो गया 100% तब नो। बोलिए ना, यही मैं बता रहा था। ये हाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन सिचुएशन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसोसिएशन कर्व। अगर कर्व किधर भाग रहा है, ऐसे कर्व दिखाते हैं, कर्व किधर भाग रहा है, ऊपर की तरफ, एक कर्व भागता नीचे की तरफ, ये देखो अगर कर्व इधर भाग रहा है इधर साइड में, तो इसको बोलते हैं कर्व मूव लेफ्ट। इसका मतलब क्या हो रहा है, सेचुरेशन इंक्रीज कर रहा है, सेचुरेशन इंक्रीज कर रहा है। और अगर कर्व किधर भाग रहा है, इधर की तरफ राइट, ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको बोलते हैं डिसोसिएशन बढ़ रहा है। किसका डिसोसिएशन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन क्या हो रहा है, डिसोसिएशन इंक्रीज कर रहा है, डिसोसिएशन इंक्रीजेस किसका, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। तो कर्व मूव राइट भागता है, ये समझाने के लिए आपको हम अभी बता दे रहे कैसे कैसे भागता, कैसे वैसे रहता है, समझा दें, है ना। ध्यान दीजिए, कर्व ये क्या हो रहा है, डिसोसिएशन इंक्रीज किधर भाग रहा है, कर्व मूव राइट, फिर सुन लीजिए, मैंने आपको बताया ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, होता कुछ नहीं है, ये क्या है, अगर पार्सल प्रेशर आप बढ़ाते जाएंगे तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन बढ़ता जाता है, 25 पे 50 बढ़ जाएगा, 25-50 पे लगभग 80 आप बुक में जो ग्राफ दिया 78 का अगल बगल दे रहा है, देख लीजिएगा, नहीं कहेंगे सर जी आप ऐसा, इसे अबाउट 80 बता देते हैं, और 100 पे कितना हो गया, 100% सेचुरेशन हो गया, 100 पे कितना हो गया, 100% सेचुरेशन। जब 100% सेचुरेशन हो गया तो उसके बाद फिर अगर आप प्रेशर बढ़ा देते हैं तो कोई प्रॉब्लम क्या होगा, कोई इसमें ग्राफ में कोई चेंजिंग आएगी नहीं, ग्राफ क्या हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा, क्यों हो जाए, अस्थाई हो जाएगा, कोई ऑक्सीजन को फिर नहीं पकड़ेगा, बात समझे। और ज़्यादा ध्यान दीजिए, मैंने कहा कर्व अगर किधर भाग रहा है, लेफ्ट साइड, इसका मतलब सेचुरेशन बढ़ रहा है, कर्व किधर भाग रहा है, राइट साइड, इसका मतलब क्या हो रहा है, डिसोसिएशन बढ़ रहा है, बात समझ में आई। अब इसको हम कल, इसका फैक्टर अफेक्टिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कल हम आपको बताएंगे, बात समझ में आ गई, चलिए कल आप पढ़िएगा फिर।